अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें। तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी जो अच्छी जा रही होगी और तमाम स्टूडेंट्स अच्छी तरह से मेहनत कर रहे होंगे ताकि वो इम्तिहानात में जो है वो कामयाब हो सकें और अच्छे नंबर ला सकें। और बाकी कुछ स्टूडेंट्स लगे हुए प्रोटेस्ट करने, तो यार जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि यार अपनी तैयारी आप लोग जारी रखें ताकि अगर आप लोगों के एग्ज़ाम जो है कैंसिल नहीं होते, आपकी कम से कम कुछ तैयारी तो हो, ताकि अगर आपके पास वो रास्ता नहीं, आप इस रास्ते को इख्तियार करके चलो इनसे जान ऐसे छड़ा सकते हैं ना, पास तो हो सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ अपनी साथ साथ तैयारी भी जारी रखें, ठीक है। तो बाकी इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गए, क्योंकि अब तो आप लोगों की जो डेट शीट्स और उसके बाद रोल नंबर स्लिप्स अनाउंस कर दी गई हैं और कुछ स्टूडेंट्स को मिल भी रही हैं और कुछ लेके भी आ रहे हैं। बाकी चलें देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो अपनी तैयारी है उसको लाजमी जारी रखें। और आज की वीडियो में आपको मैं बताता चलूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, IAS सिलेक्टिव के, और बाकी इसकी जो शॉर्ट और MCQs की वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं और उनके जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और बाकी इसका जो भी मतलब लिंक है और इसको आपने PDF में कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक आने वाले वक्त की तमाम अपडेट्स ऑन टाइम पहुँचती रहें। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम जब वीडियो को शुरू करते हैं, तो जिनके साथ आप लोग देख रहे हैं कि कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, फर्स्ट आयत अल्लाह दी मीनू नबी लगाई भाई यकीम सला तब मार रखना मीन फिकून, ये आयत आप देख सकते हैं तो कितनी बार और कौन कौन से वर्ड में कौन कौन से सन में आ चुकी है। और उसके बाद ख़त्म अल्लाह क्लोबी मारा समी मारा अब सारी मिशावत मालम अजाब नजीम, तो इससे आपको पता चलता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट आयात है, ठीक है। तो जिनके साथ जितनी बार ज़्यादा है तो आप खुद सोच लें कि वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी और क्यों बार बार आ रही है। सो उसके बाद ये भी हैं, तो ये आप ऐसे लास्ट वाली दो आयात तकरीबन रहने दें और बाकी ऊपर वाली हो सके तो कर लें, ठीक है। एंड उसके बाद जो है वो इसमें भी आप ऐसी करें या यूना सुबुदू वाली कर लें और उसके बाद वाइन कुन तुम फेरे विल, ठीक है, ये कर लें। बाकी की करनी तो कर लें, लेकिन हो सके अगर मतलब टाइम नहीं है तो आप स्किप कर दें, तो मगर एक बार रीड ज़रूर कर लें ताकि अगर फिर भी आ जाएं, ठीक है, तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ हो। एंड उसके बाद जी आप लोग कर लें वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल वतक्तुमुल हक्का वअंतुम तालमून, ये आयत कर लें। और इससे ऊपर वाली जो वला तशतरु भी आयत सामने कलीला वया फत्तकून, ये भी कर लें और बाकी को भी आप रीड कर लें, लेकिन ये दो लाजमी आप लोग कर लें। एंड यहाँ से आपने करनी है वाइजवाद ना मोसारब लेलतन सुमतमल इजलाबादी वन तुम ालिमून, ठीक है, थर्ड वन है जो, और उसके बाद जो लास्ट वन भी कर लें और उससे ऊपर वाली भी कर लें और बाकी की दो को भी आप रीड कर लें या फिर स्किप करना स्किप कर दें। तो ये मैं आपको अपने पास से बता रहा हूँ, आप लोगों ने इसको माइंड में ज़रूर रखना है कि आप लोगों ने इनको रीड ज़रूर करना है ताकि आप अगर एग्ज़ाम में फॉर एग्ज़ाम्पल आ भी जाती तो आप कुछ ना कुछ लिखने के काबिल हो जाएं। तो इसकी मैं तैयारी कि इसकी सॉरी मैं बोलने लगा था कि इसके जो तैयार जो मतलब सोल्व क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो भी मैं ट्राई करूँगा कि अपलोड करूँ, अगर ना हुए तो आप लोग खुद इनको साथ साथ ज़रूर करें। तो यहाँ से आपने कर लेना फुकुलादरी ब्यासाकल हाजिर फ़न फजरत मिनसना ताशरत ईना, ये तकरीबन पूरी आयत ही है, ठीक है, पूरी आयत ही बनती है, तो आप लोग इसे पूरी को कर लें। तो जहाँ से भी आ जाए बंदा तर्जमे में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है, लेकिन तशरीह करते वक्त आप लोग जो है वो कन्फ्यूज़ ना। और यहाँ से जो है वो आपने फर्स्ट पार्ट कर लेना, फ़र्स्ट आयत कर लेनी, ठीक है, और उसके बाद जो है वो सेकेंड वन भी कर ही लेनी है। एंड उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं, तो ये आप लोग कर लें, ये आप रीड कर लें जस्ट, ठीक है, इनको इतना मतलब ज़्यादा नहीं है, अगर करनी भी है तो ये लास्ट वाले कर लें वाला का जा मूसा बिलबीना सुमत खत जिला, ठीक है। एंड उसके बाद आ गई ये वाली आयत, तो बाकी आप लोग खुद भी रीड करते जाएं, ठीक है, और ये आप फर्स्ट कर लें। और ये हैं तकरीबन अहदीस शुरू हो गई हैं, ठीक है, तो ये आप जो फर्स्ट वन है ये लाजमी कर लें। और उसके बाद जो है वो हदीस का ये सेटअप होता है कि जो स्टूडेंट्स करते हैं वो करते हैं फर्स्ट हाफ जो होती हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाफ आधी आ जाती हैं और जो नेक्स्ट होती हैं वो सेकंड हाफ आ जाती हैं, तो जो भी आपने करनी है वो लाजमी और अच्छे तरीके से करनी है ताकि जब पेपर में आप करके जाएँ तो आप कोई भी जो है वो मिस ना हो, ठीक है ना। तो ये सेटअप होता है।
तो बाकी आप लोग जो भी करें तो वो लाजमी करें, और ये हदीस लाजमी है बुनियाद इस्लाम अला खमसिन, और उसके बाद अल अमाल बिन नियत वो भी आपने लाजमी से कर लेनी है। ठीक है, ये दो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लोग लाजमी करनी है, तो इनमें से आपको जब और उसके बाद हाँ ये भी लाजमी कर लें, ये तकरीबन दोनों ही आप कर लें। एंड उसके बाद जो है वो इंदल हाँ हलाल ये आप लाजमी कर लें जो फर्स्ट वन है, एंड उसके बाद जो है वो ये भी कर लें अदीन नसीहा ये भी लाजमी कर लें, बहुत बार आ चुकी है ऑलरेडी ये, और ये भी लाजमी से कर लें। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखें कर लें तो कर लें, अदरवाइज़ आप लोग छोड़ भी सकते हैं, और ये भी आप लाजमी कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है वो इसको भी रीड आउट कर लें। ठीक है, आई तो ये भी है ऑलरेडी, और उसके बाद पहली वाली कर लें आप लोग और दूसरे वाली देखें, स्किप करनी स्किप कर दें, क्योंकि जो ऑलरेडी आ रही हैं बार बार वही रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो जो कम बार रिपीट हो रही हैं तो हो सकता है कि वो इस बार भी ना हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पेपर शटर है जो उसका माइंड का कुछ पता नहीं है वो कब कौन सा नया बम फोड़े स्टूडेंट्स पे, क्योंकि वो तो बैठे हैं स्टूडेंट्स को पजल करने ताकि स्टूडेंट ईजीली निकल ना सके। और ये भी आप लाजमी कर लें, जो हुस्न अखलाक या हदीस हैं ये मोस्टली आ जाती हैं। ठीक है ना, एंड उसके बाद जो है वो फर्स्ट वन कर लें। ठीक है, तो या फिर रहने दें, ये आप लाजमी कर लें, ज़ालम तस्ता ही फसना माशी था, ये आप लोगों ने लाजमी से करनी है, और ये भी आप लोगों ने लाजमी करनी है। थोड़ी छोटी छोटी सी हैं, छोटा छोटा सी इनका तर्जमा है, और जो जितना सवाल छोटा होता है उसके उतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये बात ध्यान में रखें, और जो जितना क्वेश्चन लॉन्ग होता है उसके उतनी चांसेस कम होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन पेपर सेटर के माइंड ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करना चाहता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, लेकिन पेपर सेटर जो है वो देखता है कि स्टूडेंट्स ने कौन सी चीज़ छोड़ी होगी, ठीक है, या फिर कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बाकी आप लोग ये देख लें, यह अतहुरु शतुल ईमान, ये भी हदीस लाजमी है, और इसके नीचे जो हैं वो भी आप लोग लाजमी से कर लें, और ये भी लाजमी कर लें, बहुत टाइम आ चुकी है। ठीक है, बाकी आप लोग ऐसा करें कि जिन जो ये नहीं कर सकते, ठीक है, वो फ़र्स्ट हाफ़ कर लें, तो 25 हैं तकरीबन आप लोगों की हदीस, तो आप लोग फ़र्स्ट 13 कर लें, लेकिन उनको करें इस तरह से कि आपको पेपर में अगर आ जाए, क्योंकि वहाँ पे आपको चॉइस का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो फिर आपका जो आप फर्स्ट हाफ की होगी तो आप लोगों को जो है वो जो चॉइस का ऑप्शन होगा वो आप लोग फिर मिस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको आती ऑलरेडी इतनी होगी, लेकिन आप सभी करेंगे तो आपके माइंड में कोई ना कोई फिर आ ही जाएगी। ठीक है, जो तीन आती हैं तो तीन में से दो तो आपको तकरीबन आती होंगी, एक आप चॉइस में छोड़ भी सकते हैं। तो इन लोग इस तमाम जो है वो क्वेश्चन का पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, तो आप लोग वहां से जाके मेरे ब्लॉगर पे जाएंगे और वहां से आके आप लोग इनको जो इजीली फाइंड आउट करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इसकी जो स्विक्स की वीडियो है वो अभी इंशाल्लाह जल्द अपलोड होने जा रही है, तो जिन लोगों को फिर भी कोई प्रॉब्लम है कि सॉल्व चाहिए या कुछ भी, तो वो लोग फिर बता सकते हैं कि उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए पीस आउट।